गुड मॉर्निंग क्लास। आप दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में रज़िया सुल्ताना के बारे में बताया था। आज रज़िया सुल्ताना के आगे चलते हैं हम। रज़िया सुल्ताना के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि रज़िया सुल्ताना के काल में ऐतगीन ने बहराम शाह को शासक बना दिया था। तो आज हम बहराम शाह के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी बहराम शाह की सेना ने रज़िया और उसके पति भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया की हत्या करा दी थी। आज हम इसके बारे में देखते हैं, बहराम शाह के बारे में हम और आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका मेरे YouTube चैनल शकील अहमद GS पॉइंट शकील सर में आपका स्वागत है। इसके बाद हम देखते हैं बहराम शाह। बहराम शाह की समय अवधि है 1240 से 1242। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन इसके काल में पहली बार भारत में मंगोलों ने आक्रमण किया था। देखते हैं बहराम शाह ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र कौन था? बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। और दूसरी चीज़ ये है कि बहराम शाह को ऐतगीन ने शासक बनाया था। ऐतगीन कौन था? मैंने आपको बताया था तुर्कान-ए-चालीसा में राजा के बाद सबसे बड़ा पद जो होता था उसका नाम था नायब-ए-मामलिका। ऐतगीन जो था वो तुर्कान-ए-चालीसा का मेंबर था, बहुत ताकतवर था। उसने जब रज़िया भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया का विद्रोह को समाप्त करने के लिए गई, उसी समय बहराम शाह का ऐतगीन ने मौके का फ़ायदा उठाया और मौके का फ़ायदा उठाकर इसने बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। बहराम शाह जो था वो इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था, और इसके काल में 1241 में पहली बार भारत में मंगोलों ने आक्रमण किया था। और इसको गद्दी पर जो बिठाला गया, तो इसकी गद्दी पर बिठाने पर इस पर कुछ शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये थी कि आपकी समस्त शक्तियाँ नायब-ए-मामलिकात ऐतगीन के पास होंगी। दूसरी चीज़, आप सिर्फ नाम मात्र के शासक होंगे, यानी आपकी सारी शक्तियाँ नायब-ए-मामलिकात को दे दी जाएंगी, और आप सिर्फ रबर स्टैंप वाले शासक होंगे, यानी नाम आपका होगा, काम पूरा कौन करेगा? ऐतगीन करेगा। आगे देखते हैं, ऐतगीन लालची प्रवृत्ति का था। उसने अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए बहराम शाह की एक बहन थी जो कि विधवा थी, उनसे विवाह कर लिया या निकाह कर लिया, और उसने उन सारे अधिकारों का पालन करना शुरू कर दिया जो कि एक सुल्तान यानी राजा रखता था। जैसे कि ऐतगीन ने नौबत धारण करना शुरू कर दिया। नौबत क्या होता था? ये सुल्तान का विशेषाधिकार होता था, जो राजा होता था वही सिर्फ नौबत को धारण करता था। नौबत के अंतर्गत ये भी होता था कि जैसे सुल्तान अपने घर के बाहर हाथी को बांधता था, हाथी को बांधना सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था और किसी के में नहीं आता था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो सिर्फ सुल्तान के पास थीं और कोई के पास नहीं होती थी। लेकिन जब बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया, तो ऐतगीन ने उससे पहले ही कह दिया था कि आप सिर्फ नाम मात्र के शासक होंगे, आपकी समस्त शक्तियाँ मेरे पास होंगी। बहराम शाह जो कि एक अयोग्य शासक था, उसने कुछ भी नहीं सोचा और उसने सीधे मना कह दिया कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप मुझे शासक बना दीजिए। इसको दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया। लेकिन जब इसने सुल्तान ने का विशेषाधिकार धारण करना शुरू कर दिया, किसने? ऐतगीन ने, तो जो तुर्कान-ए-चालीसा के और मेंबर थे उन्होंने बहराम शाह के कान भरना शुरू किए। परिणाम स्वरूप जब इसने नौबत को धारण कर लिया, यानी सुल्तान के विशेषाधिकार का ये पालन करने लगा, यानी ये खुलेआम एक शासक की भांति व्यवहार करने लगा, परिणाम स्वरूप तुर्कान-ए-चालीसा के अन्य सदस्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बहराम शाह के कान भरना शुरू कर दिया। बहराम शाह एक अयोग्य शासक था, उसने बिना सोचे समझे ऐतगीन की हत्या करवा दी, और ऐतगीन के स्थान पर तुर्कान-ए-चालीसा के एक और मेंबर थे बदरुद्दीन शकर रूमी, उनको नायब-ए-मामलिकात बना दिया। जब राजा कमज़ोर होता है तब जो गद्दी के आसपास षड्यंत्र रचे जाते हैं, आपने सुना होगा बाहुबली मूवी में जो प्रभास है, जो कि अमरेंद्र बाहुबली है, उन्होंने भी कहा है कि षड्यंत्र जो होता है सिंहासन के लिए, वो सिंहासन के आसपास के लोगों के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर जब ऐतगीन की हत्या हो गई, ऐतगीन के स्थान पर बदरुद्दीन शकर रूमी को नायब-ए-मामलिकात बनाया गया, इसके अंदर भी वही भावना आ गई जो ऐतगीन के अंदर थी। इसने सोचा कि सुल्तान तो बिल्कुल कमज़ोर है। परिणाम स्वरूप बदरुद्दीन शकर रूमी ने एक दिन
सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने सोचा हम इसको इसकी मार देंगे, इसके मारने के बाद किसी एक और दूसरे रबर स्टैम्प वाले व्यक्ति को राजा बना देंगे और अपने सारे अधिकार हम खुद बहाल कर लेंगे, मतलब सुल्तान के जो अधिकार हैं वो हम पालन करने लगे। एक दिन इसने सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र को मुहाजबुद्दीन ने सुल्तान के सामने उजागर कर दिया, यानी इस षड्यंत्र को मुहाजबुद्दीन, एक और दूसरा व्यक्ति था तुर्कान चालीसा का, उसने सुल्तान को बता दिया। परिणामस्वरूप बदरुद्दीन शकर रूमी को बदायूं भेज दिया गया कि जाइए आप बदायूं जाइए, और जब दिल्ली लौट के आए तो इनकी हत्या कर दी गई। देखिए सुल्तान कमज़ोर है अभी भी, अब दो नायब मामलिका चेंज हो गए, अब कौन आ गए? इसके काल में जब बदरुद्दीन शकर रूमी को बदायूं भेज दिया गया और दिल्ली लौटने पर इनकी हत्या कर दी गई, तो इनके काल में, किनके काल में? बहराम शाह के काल में मंगोलों ने आक्रमण किया था, और मंगोलों के आक्रमण जब किया तो मंगोलों के आक्रमण से पहले ही मुहाजबुद्दीन ने बदरुद्दीन शकर रूमी का षड्यंत्र खोल दिया था। परिणामस्वरूप बहराम शाह ने सोचा कि ये मेरा सबसे वफादार व्यक्ति है। परिणामस्वरूप बहराम शाह ने एदगीन को के बाद बदरुद्दीन शकर रूमी को, और बदरुद्दीन शकर रूमी के बाद मुहाजबुद्दीन को सारे अधिकार दे दिए। जब इसके काल में, बहराम शाह के काल में मंगोलों ने आक्रमण किया तो ये सुल्तान तो इतना योग्य था नहीं कि वो मंगोलों के आक्रमण से निपट सके। परिणामस्वरूप इसने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए मुहाजबुद्दीन को भेजा। मंगोल बहुत क्रूर प्रवृत्ति के होते थे, बहुत ताकतवर होते थे। मुहाजबुद्दीन ने दिमाग लगाया कि हम चले गए तो वो मंगोल हमें मार देंगे। परिणामस्वरूप इसने जो सैनिकों को लेके गया था, जो सेना लेके गया था, उन सैनिकों को इसने एक फर्जी पत्र दिखा दिया। उस पत्र में लिखा था कि आप इन सैनिकों की मंगोलों के द्वारा हत्या करवा दें। परिणामस्वरूप सैनिकों को जब ये बात पता चली कि ये हमारा सुल्तान बहराम शाह ने हमारी हत्या का षड्यंत्र रचवा रहा है या षड्यंत्र रच रहा है, परिणामस्वरूप उन सैनिकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके उन्होंने उन सैनिकों ने वहाँ से लौट कर, वहाँ मंगोलों से आक्रमण करने नहीं गए बल्कि वहाँ से लौट के आए और बहराम शाह की हत्या कर दी। इस प्रकार बहराम शाह का अंत हो गया। एक बार पुनः बता देते हैं, बहराम शाह का समय अवधि 1240 से 1242 है। ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। इसको गद्दी पर, बहराम शाह को गद्दी पर एदगीन ने बिठाला था। एदगीन ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठाला था तो कुछ शर्तों के आधार पर बिठाला था। पहली शर्त क्या थी कि आप नाममात्र के शासक होंगे, आपकी समस्त शक्तियाँ मेरे हाथ में होंगी, और आपकी समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होंगी? नायब मामलिकात एदगीन। या हम ऐसे कह दें कि बहराम शाह ने गद्दी पर बैठने के बाद एदगीन को नायब मामलिकात का पद दिया, जो कि राजा के बाद दूसरी सबसे ताकतवर अधिकारी होता था। तो एदगीन को बनाने गया, और एदगीन को जब नायब मामलिकात बना दिया, लेकिन एदगीन का इतने में पेट नहीं भरा। एदगीन ने क्या किया? एदगीन ने बहराम शाह की एक बहन थी, विधवा बहन थी, यानी उसका पति एक्सपायर हो गया था, उससे उन्होंने निकाह कर लिया, यानी विवाह कर लिया, और ये सुल्तान के उन अधिकारों का पालन करने लगा जो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथों में होते थे, जैसे कि नौबत धारण करना। नौबत क्या होता है? सुल्तान का विशेष अधिकार। जब इसने नौबत धारण करना शुरू कर दिया तो तुर्कान चालीसा, जो कि राजा की एक कैबिनेट होती थी, उसको ये बात बुरी लगी और उनके अंदर विरोध के स्वर फूटने लगे, और उनमें से सबसे जो ज़्यादा ताकतवर था उसका नाम था बदरुद्दीन शकर रूमी। बदरुद्दीन शकर रूमी ने बहराम शाह के कान भरना शुरू किए, और बहराम शाह ने एदगीन की हत्या करवा दी, और एदगीन के स्थान पर बदरुद्दीन शकर रूमी को नायब मामलिकात बना दिया। बदरुद्दीन शकर रूमी, सत्ता ऐसी चीज़ है जिसको मिलती है उसके अंदर और लालच बढ़ता है, उसके अंदर और भूख बढ़ती है, और तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, ये सब चीज़ें, भूख बढ़ती ही चली जाती व्यक्ति की। परिणामस्वरूप जब बदरुद्दीन शकर रूमी को नायब मामलिकात बनाया गया तो एक दिन इसने सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा। इसने सोचा कि हम सुल्तान को मार देंगे और दूसरे सुल्तान के स्थान पर किसी दूसरे अयोग्य ही व्यक्ति को ही शासक बना देंगे, ताकि वो रबर स्टैम्प होगा और मैं सर्वेसर्वा हो जाऊंगा। लेकिन बदरुद्दीन शकर रूमी के षड्यंत्र को, यानी उनके प्लान को, मुहाजबुद्दीन ने सुल्तान के सामने उजागर कर दिया। परिणामस्वरूप बहराम शाह ने बदरुद्दीन शकर रूमी को बदायूं भेज दिया और दिल्ली लौटने पर इसकी हत्या कर दी। बहराम शाह के काल में पहली बार मंगोलों ने आक्रमण किया 1241 में, और ये बदरुद्दीन शकर रूमी को मारने के बाद इसने मुहाजबुद्दीन, तीसरा व्यक्ति है जो और ताकतवर था, और अब सबसे ज़्यादा ताकतवर एदगीन, एदगीन के बाद बदरुद्दीन शकर रूमी, बदरुद्दीन शकर रूमी के बाद मुहाजबुद्दीन, तो मुहाजबुद्दीन को इसने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए भेजा।
क्योंकि इसके अंदर तो खुद इतनी ताकत थी नहीं कि मंगोलों से निपट सके, क्योंकि एक अयोग्य शासक था। तो मुआज़ुद्दीन जब गया तो मुआज़ुद्दीन ने एक षड्यंत्र रचा, इसने एक लेटर, फर्जी लेटर बनाया और उसमें फर्जी सुल्तान की मोहर लगवाई, साइन करवाए और उसमें लिखवाया कि आप इन सैनिकों की मंगोलों से हत्या करवा दें। और उसने क्या किया, मुआज़ुद्दीन ने उस फर्जी पत्र को सैनिकों को दिखा दिया, और जब सैनिकों को दिखा दिया तो सैनिकों में विरोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि सैनिकों ने सोचा लो ये शासक हमें मारवाना चाह रहा है। परिणाम स्वरूप सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और आकर उन्होंने बहराम शाह की हत्या कर दी। अब बहराम शाह खत्म हो गया, इसी के साथ अब अगला राजा बना, उस राजा का नाम क्या है, अलाउद्दीन मसूद शाह। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में हम देखते हैं, तो बहराम शाह इतना हो गया। अब बहराम शाह के बाद जो गद्दी पर बैठे उनका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में देखें, पहले मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब अगला राजा देखते हैं। देखते हैं अब अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था भाई, इसके बारे में सुनिए। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र थे। ये वही रुकनुद्दीन फिरोज शाह हैं जो कि इल्तुतमिश के पुत्र थे और शाह तुर्कान के पुत्र थे। देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। कुशनागा अलाउद्दीन मसूद शाह के पिता का नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अगर क्वेश्चन आ जाए ये किसके पोते थे, यानी इनके दादा का नाम, इनके दादा का नाम इल्तुतमिश, इनके दादा का नाम क्या था भैया, इल्तुतमिश। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी के काल में बलबन का उत्कर्ष शुरू हुआ, इन्हीं के काल में। क्वेश्चन आएगा बलबन का उत्कर्ष किसके काल में शुरू हुआ, अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में। इन्हीं के काल में बलबन का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। इसके बाद आगे क्या है, भैया डी एस का मतलब दिल्ली सल्तनत है, क्या है, दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शांति का काल किसके काल को माना जाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह के। इनके काल में ज़्यादा कोई खुराफात नहीं हुई, ज़्यादा कोई युद्ध नहीं हुए, ज़्यादा कोई विद्रोह नहीं हुए, इसलिए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शांति का काल अलाउद्दीन मसूद शाह के काल को कहते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड है 1242 से 1246। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र थे और इल्तुतमिश के पोते थे, या इनके दादा का नाम इल्तुतमिश था, इनके पिता का नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। इनके काल में बलबन का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शांति का काल अलाउद्दीन मसूद शाह का काल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद मतलब इनके काल में ज़्यादा खुराफातें नहीं हुई, ज़्यादा विद्रोह नहीं हुए, इसलिए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शांति का काल अलाउद्दीन मसूद शाह के काल को माना जाता है। और इनके काल को इतना शांति का काल इसलिए और भी माना जाता है कि जब इनका जनाजा निकला, यानी जब इनकी अंतिम यात्रा निकली, तब जनता को पता चला कि आज हमारे सुल्तान नहीं रहे। और इन्हीं के काल में नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और नासिरुद्दीन महमूद की मां, इन्हीं काल में नासिरुद्दीन महमूद बा नासिरुद्दीन महमूद की मां तथा बलबन ने एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के माध्यम से अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर दी गई। ठीक है, कैसे षड्यंत्र रचा, क्या हुआ, देखें फिर से। अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में नासिरुद्दीन महमूद की मां और बलबन ने एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत
अलाउद्दीन मसूद शाह को जेल में डाल दिया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह को कहाँ डाल दिया गया? जेल में। और जेल में ही इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। जेल में क्या हो गई? इनकी मौत हो गई। एक बार पुनः देखते हैं भाई, अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड कितना है? 1242 से 1246। इनके पिता का नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके दादा का नाम इल्तुतमिश। ये किसके पोते थे? इल्तुतमिश के। इनके काल में किसका उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो फला फूला और जिसने अपना नाम कमाया, जो आगे जाकर राजा बना? उसका नाम है बलबन। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शांति का काल किसका काल माना जाता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में बलबन, और बलबन के दामाद थे भैया ये नासिरुद्दीन महमूद। बलबन की पुत्री का नाम था हुजैरा, इसी हुजैरा का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से हुआ था। तो बलबन और बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद और नासिरुद्दीन महमूद की माँ के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि बहुत शांतिप्रिय शासक था उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को जेल में डाल दिया, और जेल में ही इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। एक बार पुनः देख लेते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड 1242 से 1246। इनके पिता का नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, इनके दादा का नाम इल्तुतमिश था। इनके पिता का नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके दादा का नाम इल्तुतमिश था। इनके काल में किसका उत्कर्ष प्रारंभ हुआ? बलबन। और बलबन ने एक षड्यंत्र रचा किस किस के साथ? नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ के साथ, और उस षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को जेल में डाल दिया गया, और वहीं जेल में इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब अगला राजा जो है वो नासिरुद्दीन महमूद है, क्योंकि बलबन का दामाद भी था। फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद अन्य राजा, फिर बलबन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब कल के लिए नमस्कार।